नमस्कार दोस्तों, मैं नवर्तन आपका एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे एक कमेंट आया था कि भील और नाइक क्या एक जाति है। तो दोस्तों, कुछ ऐतिहासिक जानकारियाँ मैंने जुटाई है जो मैं आपके सामने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करके, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नायक राजस्थानी हिंदी शब्दकोश प्रथम खंड के पृष्ठ संख्या 676 पर नायक शब्द का अर्थ आचार्य, पति, श्रेष्ठ पुरुष या बंजारा, भील एक जाति, शिकारी बताया गया और नायिका का अर्थ नायक की सत्री या पत्नी बताए गए। देवलाल जी द्वारा लिखित पुस्तक भौमदणी भील के पृष्ठ संख्या 37 पे लिखा है कि प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ठाकुरबाई नायक, जिन्होंने भील पुराण की रचना की थी, अपनी पुस्तक भील स्टडी में नायक को भील माना है। सन 1887 में पीएस वर्मा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा लिखित पुस्तक द लिविंग म्यूजिक इन राजस्थान में भी भील और नायक को एक ही कहा गया। सन 1891 की जनगणना रिपोर्ट में भी भील और नायक एक ही बताए गए हैं। भारत सरकार के गजट पार्ट द्वितीय दिनांक 20 दिसंबर 1976 अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के अनुसार एवं राजस्थान सरकार और अनुसूचित जनजाति की सूची पर क्रमांक 10 पर नायिका जाति को जनजातीय में दर्शाया गया है। ये गौर करने लायक बात है, पिछले कुछ समय से सरकार द्वारा नायकों को भील जाति से अलग जाति मानकर अनुसूचित जनजाति से पृथक कर अनुसूचित जाति में मान लिया है, जो कि गलत है। ये राजस्थान की बात कर रहा हूँ दोस्तों। इस अन्याय का श्री गंगानगर जिले के नायकों ने विरोध भी किया था। राजस्थान पत्रिका बाड़मेर शनिवार 16/3/2013 के विधानसभा समाचार पत्र के पृष्ठ संख्या 6 पर विधायक अर्जुन लाल जी ने भी नियम प्रक्रिया 295 के तहत विधानसभा में मुद्दा भी उठाया था कि भूमि बंदोबस्त के समय सभी तहसीलों में सरकारी रिकॉर्ड में नायकों को भील जाति में दर्ज किया गया है, जबकि तहसील बिलाड़ा में भूलवंश भील की जगह नायक दर्ज किया गया। नायक भील जाति का पर्यायवाची शब्द है, न कि जाति, लेकिन पिछले कुछ समय से बिलाड़ा व भोपालगढ़ में नायक जाति मानते हुए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है, जो कि गलत है। स्थानीय प्रशासन इन्हें अनुसूचित जनजाति में मानने को तैयार नहीं, जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय के 28 जनवरी 2010 के आदेशानुसार संपूर्ण नायक जाति को जनजातीय वर्ग में मान लिया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, क्या भील और नायक एक है। तो मैंने जो तथ्यात्मक चीज़ मेरे पास आई थी वो मैंने आपके सामने लगी रख दी, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना, और मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए एनएच पॉइंट यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।